कार दोस्तों, व्हाइट पेपर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप दोस्तों जानते हैं, 12 मई 2024 को आज के दिन चौकीदार का पेपर हुआ है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रश्न के बारे में हल करेंगे कि इसका क्या सही उत्तर है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट है दोस्तों, रोहतांग दर्रे की ऊंचाई क्या है, तो वह 13,058 फीट है। सांची का स्तूप दोस्तों अशोक द्वारा बनाया गया था। और थर्ड, सिंबलवाड़ा वन्य अभ्यारण्य हमारे सोलन सिरमौर में पे है। हिमाचल प्रदेश के चारों लोकसभा सीटों कितने विधानसभा क्षेत्र में आते, तो भाई दोस्तों 17 मतलब 4 का 3 सही है। 5 का दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार है। किस तीव्रता का भूकंप रिक्टर स्केल पर नुकसान पहुँचाता, तो वह दोस्तों 6 से अधिक ही है। हिमाचल प्रदेश की नदी सर्वाधिक विद्युत उत्पादन में सतलुज नदी है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी देव घाटी से प्रसिद्ध है, तो दोस्तों वह कुल्लू घाटी। भारत में कौन से उपराष्ट्रपति लगातार 2 अवधि तक रहे, तो वह दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष दोस्तों श्री ओम बिरला है। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जाती है, तो दोस्तों राज्यसभा किसी के द्वारा भंग नहीं की जाती है। किस खिलाड़ी का जन्मदिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो वह दोस्तों मेजर ध्यानचंद। भारत के राष्ट्रध्वज के अशोक चक्र में कितने आरे हैं, तो वह दोस्तों 24 है। शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो वह दोस्तों 5 सितंबर है। मंडी जिले की सीमाएं दोस्तों 6 अन्य जिलों से स्पर्श करती है। पश्चिम बंगाल की राजधानी दोस्तों कलकत्ता है। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दोस्तों 25 जनवरी 1971 को दिया गया था। बात करें दोस्तों हिमाचल प्रदेश का टेरिटोरियल काउंसिल के प्रथम चेयरमैन, तो वो दोस्तों डॉक्टर ठाकुर करम सिंह थे। बात करें दोस्तों हमीरपुर ऊना सोलन एवं शिमला जिलों की जो स्थापना हुई थी, वो दोस्तों 1 सितंबर 1972 को हुई थी। 1977 में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार की हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री दोस्तों श्री शांता कुमार थे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पंडित जयवंत राम थे दोस्तों। हिमाचल के महान सपूत जो थल सेना में अध्यक्ष बने, तो वह दोस्तों जनरल बीएन शर्मा है। संजय विद्युत परियोजना दोस्तों किन्नौर जिले में है। बात करें हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए प्रथम चुनाव किस वर्ष हुए, तो वह दोस्तों 1952 में हुए थे। गद्दी लोग दोस्तों भगवान शिव की पूजा करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला लाहौल स्पीति है। चंद्रा एवं भागा नदी दोस्तों तांदी के पास मिलती है। डेविस कप जो है दोस्तों लॉन टेनिस से संबंधित है। थीन बांध तो जो दोस्तों है वो पंजाब व जम्मू कश्मीर सीमा पर है। सरयोलसर झील दोस्तों जलोड़ी दर्रे में है, जो कुल्लू में आता है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले व स्थान में ब्यास को उपस्थित है, दोस्तों बिलासपुर मारकंडे। महाराणा प्रताप दोस्तों झील का दूसरा नाम पोंग झील है। पूर्ण स्वराज का प्रथम दिवस मनाया गया दोस्तों 26 जनवरी 1930 में। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता, तो वह दोस्तों धन विधेयक है। बिजली के बल्ब में फिलमेंट किस धातु से बना होता, तो वह दोस्तों टंगस्टन धातु का होता है। पहले एशियाई खेल किस देश में हुआ, तो वह दोस्तों भारत में हुए थे, नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे, तो वह दोस्तों श्री कुश परमार है। किस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो वह दोस्तों नवंबर 20 को है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो दोस्तों वह कुल्लू में स्थित है। आगरा शहर से हिमाचल की कौन सी नदी बहती है, तो वह दोस्तों यमुना है। यमुना जो है दिल्ली आगरा में है। नमक का रासायनिक नाम दोस्तों सोडियम क्लोराइड है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव सही है। हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष देवदार। सूर्य कुमार यादव हमारे क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। राजस्थान प्रदेश की राजधानी दोस्तों जयपुर है। चंद्रमा पर एक दिन पृथ्वी के कितने दिनों के समान है, तो वह दोस्तों 14 दिनों के समान है। ताबोमठ दोस्तों हिमाचल प्रदेश लाहौल स्पीति में स्थित है। नाकोलेक किन्नौर जिले में स्थित है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। हिमाचल विधानसभा के उपाध्यक्ष दोस्तों श्री विनय कुमार है। सर पर पैर रखकर भागने से तात्पर्य दोस्तों डर कर भागना भाग जाना है। किसान खेत में हल चला रहा है, इसमें हल चलाना दोस्तों क्रिया है। गिरीश का संधि से दोस्तों गिरी जमा ईश है, जो पहला उत्तर इसका सही है। न नो
मन तेल होगा ना राधा नाचेगी से तात्पर्य दोस्तों जो बात पूरी ना हो सके इसका सही आंसर है। विद्वान का लिंग परिवर्तन दोस्तों विदुषी है, पहला आंसर इसका सही है। कौन सा शब्द शुद्ध है, तो दोस्तों 56 जो है वो हमारा उज्ज्वल भी गलत है, सन्यासी दो बार है ये भी गलत है, तो इसको बाद में हम देख सकते हैं जब सही आंसर शीट आ जाएगी। अग्नि का विपरीत अर्थक शब्द अंबर है दोस्तों। इन शब्दों के समूह से उस शब्द को चुने जो अन्य से मेल नहीं खाता है, तो जूता मोजे चप्पल ये मेल खा रहे हैं, तो बेल्ट जो इनसे मेल नहीं खा रहा है तो ये अलग है। अलंकार का कौन सा सही पर्यायवाच्य, तो वह दोस्तों आभूषण। नृत्य शब्द जो एक तत्सम है, नृत्य मतलब तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द, तो नृत्य एक संस्कृत शब्द है इसलिए तत्सम है। आँखों में खटकना मुहावरे का अर्थ दोस्तों अच्छा ना लगना है। शुद्ध शब्द प्रत्यक्ष है दोस्तों, जो पहला है वही इसका सही आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है, तो भाई दोस्तों प्राथमिक है, पहला आंसर इसका सही है। वाह कितना सुंदर चित्र है, तो अर्थ की दृष्टि से दोस्तों बाकी के भेद बताने हैं। वाह कितना सुंदर चित्र बनाया है, तो पहला इसका वो सही उत्तर है विस्मयवाचक। अच्छा आप भी गाना गाएंगे, ये भी दोस्तों सेकंड इसका आंसर सही है विस्मयवाचक। आपकी यात्रा मंगलमय हो, इच्छावाचक। मैं आज विद्यालय नहीं जाऊँगा, निषेधवाचक इसका सही आंसर है। घूमने मत जाओ इसका संदेह वाचक इसका सही आंसर है। शुद्ध शब्द दोस्तों पहला है विधानसभा। क्रूर शब्द जो है दोस्तों वह एक विशेषण है। धन शब्द का समानार्थक नहीं है, तो वह दोस्तों खगेश अर्थ श्री लक्ष्मी जो है धन के समान है। घर शब्द के पर्यायवाची नहीं है, तो वह दोस्तों विटंब है, क्योंकि सदन है, आल्य है, निकेतन है, ये घर के पर्यायवाची है। बह का बहुवचन दोस्तों बे होता है। भाई बहन में कौन सा समास है, बह दोस्तों द्वंद्व समास है, भाई और बहन। जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए के लिए एक शब्द दोस्तों वह अभिष्ट है, तीसरा इसका सही आंसर है। बात करें दोस्तों द अर्थ डैश राउंड द सन, तो इसका सेकंड उत्तर सही होगा मूव्स। बी डैश इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स, तो इसका चौथा आंसर सही होगा हैव बीन स्टडिंग। मीनिंग ऑफ डिस्टेंट, तो इसका पहला आंसर सही होगा फार। मीनिंग ऑफ अटेम्प्ट, तो इसका तीसरा चौथा सही होगा ट्राई। बात करें टी अपोजिट ऑफ फेमस, तो इसका कोई भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज आएगा इसका। अपोजिट ऑफ फ्रेंडली इज दूसरा होगा हॉसल, HOSTILE 81 का सेकंड इसका सही आंसर होगा। क्लाइंबिंग माउंटेन एवरेस्ट इज रिमार्केबल फुट 82 का दोस्तों दूसरा सही आंसर होगा। द टेलीफोन डैश सेवरल टाइम बिफोर आई आंसर्ड इट, तो इसका दूसरा सही जो है सही होगा हैड रंग। बात करें दोस्तों 84 की, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो इसका जो है दूसरा सही होगा इंडिस्पेंसिबल। 85 की बात करें दोस्तों, योर एक्सपेंस शुड नॉट डैश बियॉन्ड अ पॉइंट, तो इसका एक्सीड आएगा जो दूसरा इसका सही होगा। शी डिड नॉट डैश मे अपोलॉजी, तो इसका फोर्थ होगा एक्सेप्ट। वन वर्ड फॉर पुट इन वर्ड फॉर मी, तो इसका दोस्तों अभी पता नहीं लगा। बात करें 88 की, तो स्पॉट द ऑड वन आउट, तो ग्लोमी इसका ऑड जो है होगा हैप्पी चेयरफुल लिवली एक समान है, बाकी जो ग्लोमी है वो इससे डिफरेंट है। मीनिंग ऑफ टू स्मॉल स्मेल रैट, तो इसका तीसरा सही आंसर होगा टॉप सस्पेक्ट फॉलो फॉल डीलिंग। बात करें चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस, ही गेव मी अ ब्यूटिफुल फ्लावर पॉट, तो इसका चौथा सही आंसर होगा ही गिव्स मी अ ब्यूटिफुल फ्लावर पॉट। एज ब्लाइंड एज बैट, तो 91 का तीसरा सही होगा। 92 का एज ब्रेव एज, इसका दूसरा सही आंसर होगा लाइन। एज क्विक एज 93 का फर्स्ट है लाइट, एज क्विक एज लाइट। एज सॉलिड एज रॉक 94 का फर्स्ट। 95 के बाद द अपोजिट ऑफ वर्ल्ड इज, तो वह होगा टिम्ड। 96 के बाद द वर्ड सिमिलर टू इविल इज, इसका पहला आंसर होगा बैड। फाइंड द एडवर्ब इन द स्टोरी इज वेल रिटर्न इज वेल 97 का थर्ड जो है इसका एडवर्ब है।
बात करें ऑल दैट ग्लिटर्स तो इज नॉट गोल्ड, 98 का थर्ड इसका सही आंसर होगा। 99 की बात करें इट इज़ नेवर टू लेट तो टू मेंड, 99 का सेकंड इसका सही आंसर होगा। अगर 100 की बात करें मैस्कुलिन ऑफ डक इज ड्रैक, मतलब कि डक का जो मैस्कुलिन होता है वह हमारा ड्रैक है, डक जो है हमारा एक फेमिनाइन शब्द है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, व्हाइट पेपर स्टडी के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन दोस्तों तक पहुँचाएँ जिन्होंने चौकीदार का पेपर दिया है, उन दोस्तों तक भी पहुँचाएँ जो हायर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों स्टडी का चैनल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।